स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पढ़ाई पॉइंट पे। तो ये पार्ट 3 है पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स के सीरीज़ का। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में। ये पूरा का पूरा पेज उन्हीं के बारे में है, तो ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है इस पेज में और ये पेज भी। तो और अगर आपको जानना है ये कौन सा बुक है, तो ये एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी बाई ओपी गावा सर, 8th एडिशन है ये बुक का। ये मतलब बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत, मतलब किसी भी जो भी पॉलिटिकल से ऑनर्स कर रहा है पॉलिटी से, तो उसके लिए हेल्पफुल बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आज पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा मैं आपको द मेन थिंग जो इसमें पूरा दिया गया हुआ है वो पढ़ा दूंगा। उससे पहले जो ये लाइन इतनी है वो पिछले वीडियो में बच गई थी, तो ये मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ। ये पूरे पैरा में यही लिखा हुआ है, इस पूरे पैरा में बस यही बात की गई है कि कोई भी मामले में ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक ज्ञान या फिर साइंटिफिक नॉलेज ही सब कुछ है। ये मतलब इस पैराग्राफ में यही है बस कि मतलब हाँ सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, यही है इसके में और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले पेज पे। तो इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ और ये आप खुद से पढ़ सकते हैं यह सारा पेज, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि है क्या ये बेसिकली। तो जॉर्ज कैटलिन, आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे जो बुक में एक जॉर्ज कैटलिन करके नाम मेंशन है, तो इनके बारे में बताता हूँ। जॉर्ज कैटलिन, इनका पूरा नाम है मतलब था जॉर्ज एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन। इन्होंने थियरी ऑफ पॉलिटिक्स को यानी राजनीति सिद्धांत को समझाया था। इनका मानना था कि पॉलिटिक्स थियरी या राजनीति सिद्धांत खुद राजनीति ज्ञान और राजनीति मूल्यों पर डिवाइडेड है। मतलब साइंटिफिक नॉलेज पॉलिटिक्स का और पॉलिटिकल फिलॉसफी दो अलग अलग चीज़ है पॉलिटिक्स के जो डिवाइडेड है, ये जॉर्ज कैटलिन का ऐसा मानना था। और इनका ये भी मानना था कि ये बटा हुआ है एक तरीके से, मतलब पॉलिटिकल एक तरीके से ये साइंटिफिक और फिलोसफिकल वे में बटा हुआ है, जहाँ पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल साइंस है हमारा वो डील करता है एक्चुअल सिचुएशन से, जैसे लॉ और उसको गवर्न करता है, लॉस एंड बॉडीज को गवर्न करता है एक एक्चुअल बिहेवियर पे, जैसे कि एक्चुअल आप समझ सकते हो हम ह्यूमन सोसाइटी को बेसिकली गवर्न करता है। और वही दूसरी ओर पॉलिटिकल फिलॉसफी जहाँ सही और गलत और अच्छे वैल्यू को देखा जाता है, जैसे कि कोई भी राजनेता भ्रष्ट नहीं होना चाहिए या फिर कैसे किसी राज्य के युवक या युवती को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे समाज से एकदम जुड़े रहना चाहिए, तो बेसिकली वो ये बात करता है, उसका फोकस इसी चीज़ पर रहता है। तो ये मतलब जॉर्ज कैटलिन ने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बताया था। इनका बस यही मानना था कि पॉलिटिकल डिवाइडेड है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में, मतलब साइंस और फिलॉसफी दो पॉलिटिकल डिवाइडेड है साइंस और फिलॉसफी के बीच में। तो एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंड्रू हैकर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, राजनीतिक वैज्ञानिक। तो ये एक अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिक है जो अभी फिलहाल क्वींस कॉलेज जो न्यूयॉर्क में है वहाँ एक प्रोफेसर के पद पे पोस्टेड है या फिर नियुक्तित है। और इनका जन्म 1929 में हुआ था, यानी ये अभी 92 ईयर्स के हैं और अगले साल 93। ये बस बेसिकली एडिशनल नॉलेज है आपको एंड्रू हैकर के बारे में बता रहा हूँ। तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि हर राजनीतिक वैज्ञानिक दो भूमिका निभाता है, वह कुछ पार्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट का निभाता है और कुछ पार्ट पॉलिटिकल फिलॉसफर का। तो फिलॉसफर का क्या मतलब होता है, फिलॉसफर का हिंदी में मतलब होता है दार्शनिक। मैं आपको आगे इसका मतलब और अच्छे से समझाऊंगा, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका मानना था कि कोई भी सिद्धांतकारी देर तक चलने वाला या ठोस सिद्धांत नहीं दे सकता है अगर उसका बयान दोनों वैज्ञानिक स्तर और मूल्यों पर आधारित ना हो। तो मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई थियरिस्ट है जो कि साइंटिफिक बेस्ड और मोरल बेस्ड पे अगर अपना स्टेटमेंट नहीं दिया तो उसका जो थियरी है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है।
अगर जिस थ्योरी में साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज और फिलोसफिकल नॉलेज दोनों है, तभी उसके थ्योरी को माना जाएगा। तो एक मुख्य केंद्र, मतलब एक और मेन पॉइंट ये है कि जो राजनीति कॉन्सेप्ट, मतलब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का जो पढ़ाई है, जो उसका आइडिया है, ये है कि इसके लिए नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड को एक सूटेबल मेथड माना जाता है। अब ये नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड क्या है? तो नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रेगुलर या स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हर जगह वैसा ही हो। जैसे कि मान लीजिए कि चाहे स्कूल साउथ में हो या नॉर्थ में, आप कर्नाटका में पढ़ रहे हो या पंजाब में, लेकिन सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो सेम ही रहता है, वो थोड़ा ना बदलता है। अगर दो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब अगर आप दो बेंच छोड़ के उधर बैठ रहे हो तो दो बेंच छोड़ के इधर भी बैठोगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो वैसे ही फिलोसफर का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी, जैसे इधर था नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड, तो पहले फिलॉसफर और फिर फिलॉसफी जान लेते हैं ताकि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वैसे फिलॉसफर का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम, मतलब शांत और स्थिर रहता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि भावनात्मक यानी इमोशनल स्तर पे सोचता हो, या फिर उसको फील करता हो, या फिर ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव नज़रिए से देखता हो चीज़ों को। और पूरी तरह से अगर फिलॉसफी का मतलब हमें जानना है, तो फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम करने वाला, जो ज्ञान से प्रेम करता है, यानी किसी वस्तु इस क यानी वो एक मतलब कोई भी वस्तु को इस कदर प्रेम से देखता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। जैसे आप मान लीजिए आपको किसी टेक्नोलॉजी से प्यार है या फिर मोबाइल डिवाइस से प्यार है, तो आप उसके बारे में, आपको कोई नहीं बोल रहा है वो सीखने के लिए, लेकिन वो आपके खुद की अंदरूनी इच्छा है, आप खुद उसको सर्च करते हो, चाहे यूट्यूब पे या फिर कहीं न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, तो वो आपका अपना अपना इच्छा है वो पढ़ने का। तो इसका मतलब नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड का मतलब यही होता है। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? दूसरा मेन पॉइंट क्या है ये पॉलिटिकल थियोरी का? तो वो ये है कि राजनीति संस्थानों यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और उसके बिहेवियर को जानना या उसके व्यवहार को जान लेना, इसके लिए डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड को स्टेबल माना जाता है या स्थिर माना जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड क्या होता है? तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जिसमें किसी चीज़ की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी या मेन पॉइंट हो, मतलब समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल अपना पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटी ऑनर्स का ही बुक ले लीजिए, ये नथिंग बट अ डिस्क्रिप्टिव बुक है जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत सारे जानकारी से लैस है आपका पॉलिटिकल साइंस का बुक या फिर कोई भी अन्य बुक। तो ये ज़रूरी है कि राजनीति सिद्धांत की पढ़ाई सही विधि से की जाए या प्रॉपर मेथड से की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बस ये पूरे साइंटिफिक ही फैक्ट्स पे बस चलता जाए और इसमें कोई वैल्यूज हो ही ना, तब ये माना नहीं जाएगा। इसलिए इसको एक प्रॉपर मेथड चाहिए। प्रॉपर मेथड क्या हो गया? प्रॉपर मेथड नथिंग बट साइंटिफिक वे और फिलोसफिकल वे, इन दोनों पे इसको चलना चाहिए। तो आगे एक स्टेटमेंट है नेक्स्ट पेज में, मतलब ये रॉबर्ट डेल। रॉबर्ट डेल कौन है? देख लीजिए, आपको ये रॉबर्ट डेल यहाँ पे मिल जाएगा, ये पूरा का पेज मतलब कंप्लीट हो गया है। रॉबर्ट डेल ये हैं, ये देखिए इन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, तो इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये पूरा डायग्राम भी आपको समझा दूंगा तुरंत। तो जो रॉबर्ट डेल थे, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल डिसीशन एक ऐसा डिसीशन है जो मिक्सचर है अनुभव यानी एक्सपीरियंस और मोरल जजमेंट का यानी सदाचार या अच्छे तरीके से किसी चीज़ को जज करना बिना किसी की साइड लेके। ये मतलब कोई भी मोरल जजमेंट आप अनबायस्ड होके उसको साइड ले रहे हो, ये नहीं कि वो आपका दोस्त है तो आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होना चाहिए, क्या कहते हैं, वो एक ऐसा डिसीशन होना चाहिए जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और आपका जजमेंट वहाँ पे काम आए। तो इसमें इन्होंने और भी आगे बोला था कि अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं या फिर मना कर देते हैं अपना अपना इच्छा, या अपने आप खुद से डिसाइड नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये दूसरे किसी को मौका दे देते हैं आपके लिए डिसाइड करने को। ऐसा रॉबर्ट डेल ने कहा था, जो कि एक पॉलिटिकल, अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। तो आगे अब हम लोग ये डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसमें डायग्राम इज नथिंग बट इसमें है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी में मतलब ये है राजनीति सिद्धांत का दायरा।
अगर मतलब आपने इस वीडियो से पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये पूरा मतलब अच्छे से समझा के रखा है, ये बस वही उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम में है। तो अगर आपने वो पहले वो जो मेरी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, अगर आपने ना देखा हो तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, या फिर आई बटन पे भी आपको दिखा रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करके वो वीडियो देख लेंगे, तब आपको ये जो पार्ट है वीडियो का वो आपको पूरी तरह से समझ आएगा। तो पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, क्या है ये डायग्राम। तो ये कुछ नहीं है, बस ये वही सब बता रहा है, बस एक डायग्रामेटिकली वे में। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत का दायरा, पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत। तो अब ये बता रहा है कि ये किस पे फोकस करता है। तो एक हो गया फोकस करता है, इसकी राजनीति सिद्धांत एक ऐसे पढ़ाई की स्टडी करता है, मतलब ऐसे स्टडी पे फोकस करता है जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज के बारे में बताता है, मतलब राजनीति समाकलन और उसके विचारों के बारे में। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब उसका मुख्य केंद्र यही रहता है कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स मतलब राजनीति समाकलन और उसके विचारों पे उसका मेन फोकस रहता है, और ही साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, राजनीतिक संस्थान और उसका बिहेवियर पे इसका मेन फोकस रहता है पॉलिटिकल थ्योरी का। और साथ में अगर ये तो हो गया इसका फोकस, अब मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी का मतलब क्या हो गया, मेथड मतलब हो गया विधि, मतलब किसी भी आप अगर आपको खाना भी है, कुछ चीज़ बनाना भी है, तो अब आटा चावल ये सब तो रखा हुआ है, पर आपको एक स्टेप भी तो आना चाहिए कि आगे उसको प्रोसीड कैसे करें, नहीं तो वो तो ऐसे ही रखा रह जाना है। तो आगे इसका मेथड ऑफ स्टडी अब कैसे है, तो एक हो गया डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड, डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड, और दूसरा हो गया नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड, और ये दोनों मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड कुछ नहीं, जिसमें मतलब पूरा डिस्क्राइब किया हो वो चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी हो जिसमें, और नॉर्मेटिव फिलोसफिकल मेथड इज़ नथिंग बट वही जो मैंने आपको क्या कहते हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नॉर्मेटिव जहाँ पे सारे रूल हर जगह सेम रहते हैं, कहीं भी चेंज नहीं होते हैं, जैसे आपको बोर्ड वाला एग्जाम्पल दिया था, तो ये मतलब यही है। तो ये पूरा डायग्राम वही बताता है बेसिकली। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो ये रेस्ट पार्ट को मैं अगले के जल्दी कवर करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। टिल देन इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि उसको इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट या फिर सीरीज़ चाहिए, तो आप लोग को क्या लगता है, आप एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो क्या है, मैं तो बना दूंगा, तो पर आप लोग कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे इस पेज को फॉलो नहीं किया पढ़ाई पॉइंट पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक होगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि आपको फर्दर अपडेट हर चीज़ का मिल सके। तो धन्यवाद और स्टे ट्यून्ड।